तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पेटीएम के स्टॉक के बारे में। पेटीएम के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो देखेंगे जो स्टॉक है हमको अप्रैल से पहले यहाँ पर लगा था, क्लियर अपडेट में देखने को मिल रहा था हमको स्टॉक में हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था। फिर स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया जिसके बाद से अभी हमको यहाँ पर स्टॉक में लगा था यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि आज हमको यहाँ पर स्टॉक में 1.06% की यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। तो यहाँ से हम अभी स्टॉक में बात करें, यहाँ से अभी हमारे पास स्टॉक में 835 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 800, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 763, और अगर यहाँ पर स्टॉक ने इसको ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में 724 तक के लेवल से यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज अ नेक्स्ट टाइप ऑफ सपोर्ट। भाई यहाँ से अब अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से अब रिकवरी की कंडीशन में हमारे पास स्टॉक में 862 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 924, और अगर यहाँ पर स्टॉक 924 को यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में 982, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 1058, और इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 1132 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज ए नेक्स्ट टाइप रेजिस्टेंस। तो स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। धन्यवाद।